Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with exercise 3.2 of chapter 3, playing with numbers of class 6 mathematics. Hey students, in previous lecture we have solved question 1 and 2. Now in today's lecture we will solve remaining questions. In remaining question, first of all we will solve question 3. In question 3, the number 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pair of prime numbers up to 100. Question 3 में जो है आपको ये दो prime number बोले हैं और इनके अंदर जो digits 1 and 3, 3 and 1 कैसे हैं? Same है. तो ऐसे ही up to 100 तक हमें ऐसे pair find out करने हैं जिनके digits जो same हो. यहाँ पर जब हम वो numbers find out करेंगे तो वे नंबर्स होंगे 17 एंड 71. यहां पर 17 और 71 में जो डिजिट्स है 1 और 7 वो सेम है. सेकंड जो पेयर होगा वो होगा 37 एंड 73. दोनों प्राइम नंबर है जैसे ये थे. अब इनमें जो डिजिट्स है 3 एंड 7 वे सेम है. थर्ड जो पेयर होगा वो होगा नंबर 79 एंड 97. दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के जो अंदर जो डिजिट्स हैं 7 एंड 9 वे सेम हैं. इन क्वेश्चन 4 राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हुए हम देख चुके हैं. अगेन आई विल रिपीट द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर क्या होते थे? वे नंबर्स जिनके ओनली टू फैक्टर्स हों और उनमें कौन कौन से नंबर्स होंगे, एक तो वन और खुद वन नंबर. ओके, इस तरह के नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते थे. कंपोजिट नंबर हम किन्हें बोलते थे? ऐसे नंबर जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हों उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलते थे. तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को सेपरेटली लिखना है और लेस देन 20 हो ऐसे नंबर्स को लेके चलना है. तो यहाँ पर लेस देन 20 प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो वे क्या क्या होंगे? 2, 5, 7, 11, 13 एंड 19. ये वे नंबर्स हैं जिनके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन और खुद ये नंबर्स. ओके, इसलिए प्राइम नंबर और लेस देन 20 है. नाउ कंपोजिट नंबर क्या होंगे? जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो. तो यहां पर कौन कौन से होंगे? ये वे नंबर है जो लेस देन 20 है और इनके मोर देन टू फैक्टर्स हैं. 4 की हम बात करें तो 1, 2 एंड 4 इसके फैक्टर्स मोर देन 2 हैं. 12 की बात करें 1, 2, 3, 4, 6 एंड द नंबर इटसेल्फ मींस 12. ओके, तो मोर देन 3 फैक्टर्स हैं. तो इनमें से जो भी नंबर्स हैं इनके मोर देन 3 फैक्टर्स हैं, इसलिए क्या होंगे? कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे. और यहाँ पर जो उनको हमने सेपरेटली लिखा है. क्वेश्चन 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10. यहाँ पर 1 एंड 10 के बिटवीन जो प्राइम नंबर्स हैं वे क्या होंगे? 2, 3, 5 एंड 7. ओके, अब इन सब में जो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर वह क्या होगा? 7. ओके, ये हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू और प्राइम्स. यहां पर क्वेश्चन 6 में जो है आपको क्वेश्चन नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स का आपको जो है
और टू और प्राइम के सम के रूप में इन्हें शो करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ए को जब हम शो करेंगे तो 44 को जब हम सम के रूप में शो करेंगे दो और प्राइम नंबर्स के, तो आप पता कीजिए कि 44 को जो है हम किन दो ओड नंबर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इसके दो पार्ट बना देता हूं, 3 and 41। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जो पार्ट हमने बनाया है वे प्राइम ओड प्राइम नंबर्स है या नहीं। तो यहां पे 3 जो है ओड नंबर है और प्राइम भी है, 41 जो है ओड है और प्राइम भी है, तो यहाँ पर इनके बिटवीन जो हमें प्लस का साइन शो कर देना है। तो यहाँ पर ये जो है वह सम के रूप में हो गया है और इनका सम जो है 44 होता है, तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन जो है वो राइट है। क्वेश्चन बी में 36, अब 36 को हमें दो और प्राइम के सम के रूप में लिखना है। तो 36 के मुझे ऐसे दो पार्ट बनाने हैं, ठीक है, कि जो नंबर मुझे मिले वे ओड हो। तो इसके लिए मैं इसे 5 and 31 लिख सकता हूं और इसे मैं चेक करूंगा तो 5 and 31 दोनों ओड प्राइम नंबर्स है, तो इनके बिटवीन जो मैं प्लस का साइन शो कर दूंगा। तो यहां पर 36 जो है 5 and 31 के सम के रूप में जो है होगा। इन क्वेश्चन 7 गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। क्वेश्चन 7 में हमें 3 पेयर देनी है ऐसे प्राइम नंबर्स की जिनका डिफरेंस कितना हो 2 हो। तो यहां पर फर्स्ट पेयर की अगर मैं बात करूं तो 3 and 5 दो प्राइम नंबर है और इनका पेयर मैंने लिया है। अब चेक करते हैं इनका डिफरेंस 2 है या नहीं। तो यहां पर 5 - 3 = 2 डिफरेंस 2 है, ओके। सेकेंड पेयर जो है मैं प्राइम नंबर 5 and 7 के लेकर चलता हूं, अभी मैं डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस 2 है। अब थर्ड पेयर जो है इलेवन एंड 13, अभी मैं डिफरेंस चेक करता हूं, 13 - 11 = 2, ओके। तो इनका डिफरेंस जो है 2 है, तो ये वे 3 पेयर्स हैं जिनका डिफरेंस 2 है और इनके इन पेयर के अंदर जो नंबर्स हैं वे प्राइम भी हैं। तो ये आपका आंसर होगा। इन क्वेश्चन 8 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। क्वेश्चन 8 में जो है आपको जो नंबर्स दिए हैं उसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर प्राइम है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, डेफिनेशन जो टाइप्स ऑफ नंबर्स थे उनमें जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी प्राइम नंबर की, उसके अकॉर्डिंग टू हम बताएंगे कि ये प्राइम है या नहीं। तो प्राइम नंबर के हम क्या जानते हैं कि वो नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 और खुद वो नंबर, तो प्राइम नंबर होगा। तो यहां पर फैक्टर्स ऑफ 23 अगर हम देखें, मींस 23 किन के टेबल में आता है, तो वो 1 and 23 है, तो यहाँ पे ओनली 2 फैक्टर्स है, ओके। तो यहाँ पर 23 जो है क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। सो 23 इज अ प्राइम नंबर। नाउ क्वेश्चन बी 51। अब 51 के लिए हम लोग इसके फैक्टर्स निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जो है वो सभी नंबर का फैक्टर है, ओके। अब 51 जो है 2 के टेबल में आएगा नहीं, 3 के टेबल में आएगा, ओके, एंड 17 के टेबल में आएगा एंड 51 के टेबल में आएगा, कोई भी नंबर अपने टेबल में आएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर 51 के जो है मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर है। सो यहां पर हम लिख देंगे 51 इज नॉट अ प्राइम
नंबर। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगेन प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके ओनली टू फैक्टर्स हो, एक तो वन और खुद वो नंबर। तो यहां पर इन दोनों में आप देख पा रहे हैं 23 एक ऐसा नंबर है जिसके ओनली टू फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर होगा। यहां पे मोर देन टू फैक्टर्स हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। इन क्वेश्चन 9 राइट 7 कॉन्सिक्यूटिव कॉम्पोजिटिव नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। क्वेश्चन 9 में जो है आपको 7 कॉन्सिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लिखने हैं जो लेस देन 100 होने चाहिए, और हमको ध्यान रखना चाहिए उनके बिटवीन जो है प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके वे 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होंगे 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। ये वे 7 कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक आने वाले, ओके। तो ये वे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनके बिटवीन एक भी प्राइम नंबर आता नहीं है।